तो हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान की किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे पहले भी कई बार हुई है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि अगर आप किसी मुल्क के अगर प्रधानमंत्री, जैसे पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ अपने अधिकारियों से मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, वो ऑडियो क्लिप सामने आ जाना, ऑडियो क्लिप लीक हो जाना, ये कितना बड़ा कहेंगे कि सिक्योरिटी में बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर किसी एक मुल्क, किसी एक देश के प्रधानमंत्री के घर से, उनके निवास से ऑडियो क्लिप लीक हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं बाकियों का क्या हाल हो रहा होगा। अब इस पे बहुत ये पाकिस्तान के अंदर हलमची मची हुई है कि भाई ये हैक हुआ या किसी ने ये उनके पीएम हाउस से सिक्योरिटी लीक करी। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये किसी के उनकी इंटरनल सिक्योरिटी लीक हुई है। देखिए, ये दरअसल बात ऐसी है कि हमें समझना होगा कि ये लोग दरअसल किसी के नहीं है, इनके खुद की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो इनके पीठ पे छुरा फोंक देगी। इन लोगों ने तालिबान को सपोर्ट करा, ये लोग 10,000 से ऊपर पाकिस्तानी पहुंच गए थे अफगानिस्तान तालिबान को सपोर्ट करने के लिए, उनके ISI चीफ जनरल फैज अहमद हामिद पहुंच गए थे वहां पे हकाई नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए। अब आप देखिए अभी पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते कैसे हो रहे हैं। तो इसमें मैं कोई शक की बात है ही नहीं कि इसमें, और इसमें एक और बहुत खास बात, अन्य मिनिस्टर की आवाज सुनाई दे रही है। इसमें ख्वाजा आसिफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, राणा सनाउल्लाह जैसे आपने बताया उनके होम मिनिस्टर है, इनकी आवाजें इसमें सुनाई दे रही है। इनमें शहबाज शरीफ भी सुनाई दे रहे हैं एक कर्मचारी को बोलते हुए, जो मरियम नवाज है उनकी भतीजी, उनके जो दामाद है राहिल, उनके जो सैंक्शन है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वो पास पास आउट करने के लिए। उन्होंने कहा सर ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेजर शाह कि या तो कोई अपना ही है जो इस तरह की बातें लीक कर रहा है, या फिर इतना कमजोर है वहां का सिस्टम कि आसानी से हैक हो गया और फिर मुल्क के प्रधानमंत्री की बातें वहां से लीक हो गई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर शाह।